उत्तराखंड के कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार को अचानक कुर्सी से हटाकर अब जेल भेज दिया गया है, यानी कि उन्हें एडीजे जेल बनाया गया है। अचानक ये सब कुछ जो राजधानी देहरादून में घटा है उसके बाद से सियासी और प्रशासनिक गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी है कि ये सियासत किसकी है और इसके करीब रहने वाले अधिकारियों को कभी कभी इसका खामियाजा भी उठाना पड़ता है, क्योंकि अभिनव कुमार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की गुड बुक में थे, चहेते थे, करीबी थे और अपने पिछले कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें अपना विशेष प्रमुख सचिव भी बनाया था। यहाँ तक कि सूचना जैसे महकमे को उनकी जिम्मेदारी अभिनव कुमार को दे दी गई और इसके अलावा खेल विभाग भी दे दिया गया था। लेकिन जब दूसरा कार्यकाल मुख्यमंत्री का शुरू हुआ तो कुछ समय अभिनव कुमार पिक्चर से गायब रहे, लेकिन फिर अचानक एक दिन जब अशोक कुमार सेवानिवृत्त हुए उत्तराखंड के पिछले डीजीपी, तो उनकी जगह जो यूपी की जो रवायत यूपी से शुरू हुई थी उसी की तर्ज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभिनव कुमार को कार्यवाहक डीजीपी की जिम्मेदारी दे दी। उस समय बहुत चर्चाएं हुई क्योंकि यूपी में ऐसा ही चल रहा था, उत्तराखंड में भी पहली बार इस तरह का प्रयोग किया गया था। तब भी आईपीएस अभिनव कुमार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो पुराने रिश्ते हैं, सुखद जो रिश्ते हैं, उनको लेकर चर्चाएं हुई कि अभिनव कुमार को बड़ा इनाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दे दिया है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन पिछले दिनों कुछ ऐसे प्रकरण हुए जहां पर बतौर कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े होने लगे और तमाम सियासी लोगों ने भी इस पर सवाल उठाए। अब चाहे वो देहरादून में राष्ट्रपति के दौरे के दौरान हुई ज्वेलरी शोरूम में लूट का मामला हो या हरिद्वार का ज्वेलरी शोरूम का लूट का मामला हो, इस तरह की तमाम घटनाएं हुई और उसमें बयानबाजियां हुई। जाहिर तौर पर जो सांसद है हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत भाजपा के, उन्होंने सवाल उठाए थे, उन्होंने बड़े कड़वे और सख्त लहजे में अभिनव कुमार को कई बातें बोली थी और हरीश रावत भी अभिनव कुमार के उस बयान से, जिसमें कि वो लगातार बोल रहे थे कि अब जो अपराधी हैं उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा, गोली से जवाब मिलेगा, इस तरह के बयान आ रहे थे। कोई उन्हें राजनीतिक पार्टी में शामिल करने की बात करने लगा कोई नेता, तो किसी ने कहा कि आप ये वर्दी वाले लोग हैं, खाकी कुर्ता पजामा पहन के राजनीति करने का काम आपका नहीं है। तो तमाम इस तरह के विवाद उठे, चर्चाएं होने लगी, तो इसका कहीं ना कहीं असर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक भी इसकी आँच पहुँचने लगी थी क्या उस वक्त, ये भी चर्चाएँ हो रही थी। और उसके बाद जो अभिनव कुमार कार्यवाहक डीजीपी थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, इस बीच यूपी की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो डीजीपी की नियुक्ति को लेकर जो मामला चल रहा है उससे पहले एक नियमावली बना ली और उस नियमावली में एक रास्ता खोज लिया योगी आदित्यनाथ सरकार ने कि केंद्र की गृह मंत्रालय की यूपीएससी बोर्ड की स्वीकृति की ज़रूरत अब हमें नहीं है और डीजीपी तो साहब अब राज्य सरकार ही बनाएगी, उसकी नियमावली बना दी गई और उसी को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाना है। तो एक रास्ता था, तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस मामले को देख रहे थे, कांग्रेस शासित प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो भी देख रहे थे कि क्या इस रास्ते पर चला जा सकता है। ऑलरेडी कुछ राज्यों ने इस नियमावली को अपने यहाँ लागू भी किया है। तो इसी बीच अभिनव कुमार जो कार्यवाहक डीजीपी थे, कथित तौर पर यह कहा जाता है कि उन्होंने एक चिट्ठी लिख डाली गृह सचिव को उत्तराखंड के, उन्होंने कहा कि जिस तरह से यूपी में डीजीपी नियुक्ति को लेकर नियमावली बनाई गई है प्रकाश सिंह मामले का हवाला देकर, उसी तरह से उत्तराखंड में भी होना चाहिए और डीजीपी की जो नियुक्ति है उसमें गृह मंत्रालय और यूपीएससी बोर्ड की दखल की जरूरत नहीं है, राज्य सरकार नियमावली बनाकर यहां भी उस तरह की कार्रवाई कर सकती है। ये जो चिट्ठी गई, क्या उसकी वजह से दिक्कतें बढ़ी हैं, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह की तो आपस में अदावत चल रही है, वो अदावत किसी से छुपी नहीं है और योगी आदित्यनाथ का कद बड़ा है बीजेपी में,
यूपी जैसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो गृहमंत्री अमित शाह से टकरा रहे हैं, तो पीछे इधर संघ का भी साथ है, तो वो तो एक लड़ाई जायज मानी जा रही है कि दो मजबूत लोगों के बीच लड़ाई चल रही है। उस लड़ाई के बीच में अगर कोई और राज्य वही काम करने लगे जो योगी आदित्यनाथ सरकार कर रही है तो ये मुसीबत हो जाएगी अमित शाह के। तो दिल्ली इससे नाराज हो गई, इस पत्र के बाद दिल्ली नाराज हुई ये बताया जा रहा है, और यहीं से शुरुआत हुई कि भाई अब ये जो कार्यवाहक डीजीपी हैं उनकी जगह पर फुल फ्लैश जो डीजीपी हैं वो अब आने चाहिए। और आनन फानन में दीपम सेठ जो कि एसएसबी की जिम्मेदारी देख रहे थे उनको कार्यमुक्त करके देहरादून लाया गया, यहाँ उन्होंने डीजीपी का कार्यभार संभाल लिया है। लेकिन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे अभिनव कुमार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर तो ऐसे कतरे कि उन्हें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं रहने दिया ये कहा जा रहा है, और उन्हें सीधे एडीजी जेल की जिम्मेदारी दे दी गई कि अब आप कारागार संभालिए। तो क्यों ऐसा हुआ इसको लेकर इस समय उत्तराखंड के सियासी प्रशासनिक दोनों गलियारों में चर्चा चल रही है, क्योंकि बेहद चर्चित रहे हैं आईपीएस अभिनव कुमार। सत्यमेव जयते का एक एपिसोड आया जहां से वो बड़ी चर्चाओं में आए और उनकी पुलिसिंग की कई दफ़ा चर्चा होती है। जम्मू कश्मीर में भी वो एक दौर में डेपुटेशन में रहे, खासकर जब अनुच्छेद 370 हटाया गया था उस समय जम्मू कश्मीर में थे, और देहरादून में भी हरिद्वार देहरादून तमाम जगह के एसएसपी रहे, और बीएसएफ में भी वो आईजी बीएसएफ भी एक बार रहे, तो हमेशा चर्चाओं में रहे। लेकिन मुख्यमंत्री के साथ जो उनकी नज़दीकी थी वो क्या वहाँ उसमें दरार कोई आ गई है अब, और उनके पद पर जो हैं वो मुख्यमंत्री ने कतर दिए हैं। इस खबर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।